अच्छा कपड़े धो रहे हैं। रहते किधर हो? इधर कपड़े धोने के लिए आयो? मुझे नहीं दिया, बच्चों को दिया। बच्चों को आपको तीन बार दे दिया। दो रुपए ही थे वो, आप दूर रहो पहले, मैं तो नहीं दूंगा। पहले आप दूर रहो, मैं सबको देता हूँ। ऐसे आप इधर बन रहा है इनका खाना, और इसके अंदर मिट्टी का चूल्हा भी बना दिया आपने। लेके आगे कहीं मैदान होगा वहाँ दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है अमरनाथ का बेस कैंप। अमरनाथ की जो यात्रा जाती है, पहले तो आप गाड़ियाँ देखिए यार, कितनी भीड़ है देखो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, जो ज़िला पास के डाउन में है, अभी लद्दाख की तरफ ही है। ये मोटायन करके एक गाँव है यार, वहाँ रुके थोड़ी देर पानी पीने के लिए। और अभी इस इलाके के अंदर आपको मिलेंगे जो गुज्जर बकरवाल जनजाति के जो लोग हैं, जो भेड़ बकरी चराते हैं। ये रहने वाले मूलतः उधर पुंछ और जम्मू के राजौरी पुंछ उस साइड के, लेकिन जैसे गर्मी आती है तो इस तरफ भी बकरियाँ वगैरह लेके आ जाते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं हमको भी ले जाओ, ये कहीं जाना चाहते हैं कश्मीर साइड, या सामान लेने आए हैं उधर जाएंगे अपना, जहाँ पे इनका भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ। अच्छा उधर ही रहते हो, क्यों कल जी गाड़ी नहीं रोक रहे? गाड़ी नहीं रोक, इधर बस नहीं चलती? बस नहीं चलती नहीं। अच्छा तो वहाँ क्या भेड़ बकरियाँ हैं? अब रहने वाले कहाँ के हैं? रजौरी, पुंछ रजौरी। उधर चलो भाई, ऐसे करते तो दोस्तों ये इधर रहते हैं, इनकी भेड़ बकरियां हैं कुल मिला के, जो चराते वहाँ गांव से यहाँ आ गए और सामान लेने के लिए आए होंगे यहाँ पे। यहाँ से कितने दूर है? एक किलोमीटर ये तो पैदल ही चले जाओगे ऊपर है, इसलिए गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तो इनके पास सामान है इसलिए गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ही वो ठीक है, वो सब जाना भी आगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आप रजौरी के रहने वाले हैं? रजौरी के रहने वाले हैं अंकल जी। यहाँ पे इनकी भेड़ और बकरियाँ हैं। भेड़ बकरी चराने आए? तो ये आप जब सर्दियाँ होती तो वापस चले जाते हो, यहीं रहते हो? वापस चले जाते हैं वहीं, और अभी आ गए वहाँ गर्मी है तो क्या बोलता नेट में चढ़ागा नहीं करना बोलता नेट में मत चलना हां नेट में चढ़ागा बोलता हां फेसबुक पर नहीं चढ़ना बोलता हैं 10 रुपया आपको माफ देता हूं नहीं नहीं और नहीं आपको तेरा आपको भी दे ये दादू लेते पैसा भाई दे आ सकते फोटो चिका तो दे ना पैसा दे नहीं बस अब दे तो दिए और दे 10 और दे बहुत है भैया 10 और दे मैं छोड़ देना बस रहने दे बच्चों के लिए है ना कुछ खिला देना देखो ये लेके आ रहे हैं बच्चे वगैरह यहाँ कितने परिवार है नहीं है कितने परिवार हैं बहुत परिवार है अच्छा बच्चा को अभी दिए ना आपको हमको दिया ना इसको भी बच्चा को दे दो आपको अब नहीं दूंगा आपको दे दिए इसको दे दो इसको दे दो इसको नहीं नहीं देना भैया बच्चों के लिए भैया छोटे को दे इसको नहीं दिया छोटा को दे तुम दोनों को दिए इसको नहीं दिया दादा इसको दिए बच्ची खाती केला ऐसा नहीं इधर भैया बच्ची के लिए ना कहा है नहीं भैया हां भैया ऐसा देने के बच्चे छोटा बच्चा को देता लोग जी क्या बड़ा बच्चा दिए नहीं नहीं छोटो को इसको दे दिए उधर भैया इसको बस उनको दे दो चलो भैया भैया दे ना इसको दे ना छोटे ना तो दोस्तों यहां पे ये गुज्जर बकरवाल है यहां अंकल जी कौन से बकरवाल बकरवाल अच्छा बकरी रखने वाले और अंदर से दिखाते हैं ये पूरे सर्दियों में वहाँ रहते हैं अपने घरों में लेकिन जहाँ गर्मी आती है तो फिर ये इधर आ जाते हैं सर्दी ठंडी जगह और पूरा एक ही टेंट में सारा होता है सोने का वगैरह का है अभी खाना बना रहे हैं आ सकते हैं अंदर इधर बन रहा है इनका खाना और इसके अंदर मिट्टी का चूल्हा भी बना दिया आपने बर्तन वगैरह सर तो ये अभी जैसे गर्म रहता है अगर ठंडी है क्या ज्यादा नहीं सर्दी होता है यहाँ गर्म रहता है इधर गर्म है तो नाट वाला चारी नाट फिर चढ़ जाओ अरे चारा खाइए तो अभी यहाँ पे कितने महीने तक रहोगे दो महीने में दो महीने फिर वापस चले जाते वापस चले जाते जिम जा रहे थे दे ना बंदा बहुत तो सकता है क्या अब देखो सबको दे दिया एक अंकल जी को देने किसको मुझे नहीं दिया बच्चों को दिया बच्चों को आपको तीन बार दे दिया ना सबको देखो मैंने सबको गिन के दिए मुझे नहीं दिया इनको इनको भैया देखो आंटी जी आपको तो दे दिए रुपए ही थे वो अब दूर रहो पहले मैं तो नहीं दूंगा पहले आप दूर रहो मैं सबको देता हूँ ऐसे आप अभी पीछे तक आ रहे हैं सबको दे दिया दे दे भैया तो कहाँ से दे पैसा दे अब नहीं दे राव के ना हम तो कर दिया तो दोस्तों ये देख रहे हो आप भेड़ बकरियां लेके जा रहे हैं बकरे वाले लोग हैं अभी जैसे आपने घर देखे हैं वैसे ही लेके आगे कहीं मैदान होगा वहाँ चले जा रहे हैं बहुत सारे
क्या कपड़े धो रहे हैं? रहते किधर हो? रहते किधर हो? इधर कपड़े धोने के लिए आयो? तो लगभग हमने जोजिला क्रॉस कर चुका है, और क्योंकि जो जोजिला पास है बहुत खतरनाक है। हालांकि उधर से आते लेह से तो ये पूरी डरावनी होती है, लेकिन इधर से जब कश्मीर से जाते तो पूरी चढ़ाई चढ़ाई है। तो काफ़ी ये भारत का लगभग सबसे खतरनाक वाला रास्ता है। आजकल तो थोड़ा ठीक हो गया, डबल रोड बन गई है। अगर ये नहीं थी पिछले साल तो ये बन रही थी तो बहुत खतरनाक थे। उससे पहले जो थी वो बहुत डेंजरस थी। तो धीरे धीरे अब सहूलियत हो रही है। अभी हम पहुंचे हैं अमरनाथ बेस कैंप। अभी मैं दिखाता हूं, ये जो सामने आप देख रहे हो ये है अमरनाथ का बेस कैंप। अमरनाथ की जो यात्रा जाती है, पहले तो आप गाड़ियां देखिए यार, कितनी भीड़ है। देखो ये सामने वाला जो बर्फीला पहाड़ दिख रहा है ना, इस पे ही वो मंदिर है, और इसके ऊपर जितने भी श्रद्धालु है वो पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो इस बेस कैंप में उन यात्रियों को रखते हैं, जो ये बहुत सारे टेंट बने हुए आप देख रहे हो। इसके बाद उनका चेकअप वगैरह होने के बाद, यहाँ बीच में से आपको गली जो दिख रही है ये वाली, इस पहाड़ के उस तरफ ले जाके फिर वो रास्ता है, वहाँ से ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं। लगभग 2 या 3 दिन का रास्ता होगा ऊपर पैदल चढ़ने के लिए। तो अभी अमरनाथ पहुँचे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। जो रोड है काफ़ी खतरनाक है, लाइन से जो गाड़ियां आ रही है आप देख रहे हो, एक तरफ पूरी खाई है। अब ऐसे तो पता नहीं कितना ऊंचा चढ़ना होगा, तो काफ़ी मुश्किल भरा ये रास्ता था। हालांकि हमने पार कर चुके हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे जाके सोनामर्ग आ जाएगा। सोनामर्ग थोड़ा सा रुकेंगे और उसके बाद शाम तक चले जाएंगे कश्मीर श्रीनगर।